नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अणुगति समीकरण के गैस नियमों की व्युत्पत्ति कैसे, इस समीकरण के द्वारा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गैस के समीकरण की व्युत्पत्ति हम दिखा सकते हैं। तो डिविएशन ऑफ द गैस लॉ फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो नियम की बात करी जाती है वह है रॉबर्ट बॉयल का नियम है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये नियम है, इसको हम अणुगति समीकरण के द्वारा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू 1/3 mnc², ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करें तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, 2 नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, तो हो जाएगा कि जिसको बोल सकते हैं कि ये mnc², इसको एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करते हैं 2/3 और 1/2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन देख रहे हैं पीवी इक्वल टू 2/3 ke, के ई बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और के ई इक्वल टू होता है 1/2 mnc². तो mnc², तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/2/3 किसकी वैल्यू आ गई, mnc² का मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जा परमताप ये समानुपाती होती है, अर्थात स्थिर ताप पर गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। तो परिवर्तित नहीं होने का मतलब क्या हो, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जब जब बात की जाती है तो ये नियम हमारा क्या है, रॉबर्ट बॉयल का नियम है, जो हमने स्टार्ट में इसको पढ़ा था। अब इस इक्वेशन को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, जिसको गैस लॉ को हम काइनेटिक इक्वेशन के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पीवी इक्वल टू 1/3 mnc², ये हमारा फार्मूला है। हम 2 को ऊपर 2 को नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करने के लिए। अब यहाँ से क्या होगा, हम 2/3 निकाल लिया हमने साइड में, मल्टीप्लाई अपॉन 1/2 mnc², 2/3 जो पी के ई, के ई के एस के बराबर होता है, ये के ई इसलिए लिख रहे हैं, के 1/2 mnc², ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास में, के 1/2 mnc² इक्वल टू क्या होता है, के काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पी वी इक्वल टू 2/3 ke हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि चूंकि गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है, अर्थात प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, अर्थात स्थिर ताप पर, अब ताप यहाँ पर स्थिर रखते हैं हम, क्योंकि बॉयल के नियम में ताप स्थिर था, स्थिर ताप पर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक। यही हमारा किसका नियम है, रॉबर्ट बॉयल का नियम है। तो गतिज ऊर्जा समीकरण के द्वारा हम बॉयल के नियम को डिफाइन कर दिया। दूसरा आता है चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या, पीवी इक्वल टू 2/3 ke, ये हमारे पास किसका नियम आ रहा है, ये नियम आ रहा है हमारे पास में जो बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ तक बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ke इक्वल टू kT, तो इसको मैं kT, ये ke की जगह मैं kT लिख सकता हूँ, तो pV इक्वल टू 2/3 kT, तो PV इक्वल टू 2/3 kT, इसका मतलब V क्या हो गया, V इक्वल टू 2/3 और kT/P। स्थिर दाब की बात करें तो स्थिर दाब की पर 2/3 kP इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अतः स्थिर दाब पर V क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक बने उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। यही तो चार्ल्स का नियम हमारा, तो चार्ल्स का नियम क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो इसके द्वारा चार्ल्स के नियम को डिफाइन कर सकते हैं। वापस देख लीजिए आप हल्का सा, कि सबसे पहले हमने पी वी इक्वल टू 2/3 ke, के ई इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज के ई इज इक्वल टू kT, के ई किसके बराबर होता है, kT के बराबर होता है, तो पी वी इक्वल टू 2/3 kT, और kT की वैल्यू को हम आगे जाके पुटअप कर देंगे, वी इज इक्वल टू 2/3 kT/P, स्थिर दाब की बात करें तो 2/3 k/2 k/3 p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात वी इक्वल टू स्थिरांक, V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल है, V स्थिरांक है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू T। यही चार्ल्स का नियम है। तो बॉयल्स के नियम को हमने उसके द्वारा डिफाइन कर दिया, चार्ल्स के नियम को डिफाइन कर दिया। अगला नियम आता है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, कि अवोगाद्रो का नियम कहता है कि इस नियम की व्युत्पत्ति मान ले कि दो गैस दाब पी और टी के समान परिस्थिति है, ताप दाब की समान परिस्थिति है, बार बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो समान परिस्थिति किसकी, ताप और दाब, दो गैसों के लिए ताप और दाब की समान परिस्थितियों पर गैसों के अणु की सहती का मान m1 और m2 तथा उसकी संख्या n1 व n2 है। यदि गैस के अणु के मध्य के रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग c1 और c2 हो तो अणुगति समीकरण किस तरह लिख सकते हैं अपन,
इन्होंने डिफाइन कर दिया दो गैसें हैं दो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो एक गैस के लिए लिखेंगे पीवी इक्वल टू, एक गैस के लिए पीवी इक्वल टू 1/3 m1n1c1 स्क्वायर। इसी तरह दूसरी गैस के लिए बात करेंगे पीवी इक्वल टू 1/3 m2n2c2 स्क्वायर। इस तरह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1/3 m1n1c1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m1 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। क्योंकि दोनों गैसें समान ताप पर हैं अर्थात औसत गतिज ऊर्जा भी इनकी क्या होगी, समान होगी। समान गतिज ऊर्जा समान होने का मतलब क्या होगा, 1/2 m1 c1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 n2 c2 स्क्वायर। समीकरण को देखिए तो n1 इक्वल टू n2 अर्थात ताप दाब वो आयतन की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों में विद्यमान अणु की संख्या समान होती है। ये अवगत्रों का नियम है कि ताप दाब और आयतन तीन PVT तीनों परिस्थितियां कॉन्स्टेंट कर दी कि ताप दाब और आयतन की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों में अणु की संख्या कैसे होती है, समान होती है। यही अवगाद्रो का नियम है। अब अगली बात करें, अगला नियम है ग्राम का विसरण का नियम। तो ग्राम का विसरण का नियम क्या कहता है, अणुगति समीकरण के अनुसार PV इक्वल टू 1/2 mn c स्क्वायर। तो PV इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर, मानी कि mn गैस की कुल आयतन है, कुल आयतन को रिप्रेजेंट कर दिया mn से। तो PV इक्वल टू 1/3 mn mn अपॉन mn c स्क्वायर अपॉन v। तो इसको 1/3 mnv dc ये घनत्व के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। mn/v इक्वल टू d गैस की घनत्व हो गया, घनत्व होते क्या हो गया c² इक्वल टू 3p/d। c² इक्वल टू 3p/d या c इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3p/d। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में यदि दो गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग c₁² c₂² और अपेक्षित घनत्व d₁ और d₂। अपेक्षित घनत्व यहाँ c₂ होगा, तो c₁² c₂² और अपेक्षित घनत्व d₁² प्लस d₂² हो तो c₁ इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर द रूट ऑफ 3p/d₁, अंडर द रूट ऑफ 3p/d₁। इसी तरह किसके लिए, c₂ के लिए क्या लिखेंगे, 3p/ अंडर द रूट ऑफ 3p/d₂। अब देखो c₁/c₂ इक्वल टू क्या हो गया, 3p/d₁ अपॉन 3p/d₂। तो 3p से 3p डिस्ट्रॉय हो गया, तो c₁ c₂ इक्वल टू d₂/d₁। d₂/d₁ का मतलब हो गया यदि किसी शहर अंदर झिल्ली से यानी ये गैस की अणु के विसरण की दर, विसरण क्योंकि ग्राम का विसरण का नियम है, विसरण की दर अणु के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो c₁/c₂ इक्वल टू r₁/r₂। r₁ और r₂ गैस की विसरण की दरी गतियां हैं, अर्थात r₁/r₂ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ d₂/d₁। उल्टा होगा कि उसकी प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अतः ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के विसरण की गति उसके अपेक्षित घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यही ग्राम का विसरण का नियम है कि रेट ऑफ जो रेक्स विसरण की जो गति होती है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, r₁/r₂ d₂/d₁, तो घनत्व एक दूसरे का उल्टा हो गया, उसके वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब गतिज ऊर्जा और ताप में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि आणविक वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो अणु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गैस की अणुगति समीकरण के अनुसार PV इक्वल टू 1/3 mc² या PV इक्वल टू 2/3 KE की बात, जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसमें पहले डिफाइन की, अर्थात KE इक्वल टू 3/2 PV। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार KE इक्वल टू 3/2 nRT। यदि गैस की मोलों की संख्या एक हो तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो KE इक्वल टू 3/2 RT। अतः KT इज प्रोपोर्शनल टू T, KE इज प्रोपोर्शनल टू T अर्थात किसी आदर्श गैस के एक मोल की गतिज ऊर्जा, किसी आदर्श गैस के एक मोल की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसे मैक्सवेल का व्यतिकरण का नियम भी कहते हैं। ये मैक्सवेल ने इसको इसी चीज को डिस्क्राइब किया था,
एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा की बात करें तो के इज इक्वल टू 3/2 RT/N। एन यहां पर अवोगाद्रो संख्या है, एन किसके बराबर है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो के ई इज इक्वल टू अवोगाद्रो संख्या के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो के ई इज इक्वल टू 3/T 3/2 KT। के यहां पर बोल्ट्जमान बोल्ट्जमान इक्वेशन के नाम से रिप्रेजेंट करता है कि बोल्ट्जमान का नियम जिसको हम बोलते हैं के ई इज इक्वल टू 3/2 KT। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको किस तरह डिफाइन किया उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में था अणुगति समीकरण के, हमने उल्टा निकाला, पहले बॉयल चार्ल्स गेलोसाक इन्होंने अपने नियम दिए, अब हम अणुगति समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला समीकरण था इसके द्वारा हम इनके नियम को डिफाइन कर पा रहे हैं क्या ये नियम सही था या नहीं था। तो ये नियम जो ये जो नियम है सारे नियम ये प्रूफ कर जाते हैं कि ये नियम बिल्कुल सही थे। थैंक यू, धन्यवाद।